दोस्तों गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज हम एक मोटर रिवाइंड करने जा रहे हैं जो 6 HP की है, V6 की मोटर है, टॉपलैंड कंपनी की है, चॉइस स्लॉट में। तो देखो हमने सेट बना के तैयार कर लिए, एक सेट, दो सेट और ये तीसरा सेट। पिच तो बता, पिच 1 से 10 है वो 1 से 12 है। ऐसे कोयल डाल दे इसके अंदर, और ये हमारी रूप सिंह भाई साहब है जो बहुत बड़े मैकेनिक है। समर्सिबल के मास्टर है। तारों को ऐसे की स्पेस लोड के अंदर आसानी से कई स्टिक लगा दिए हमने। ये इसका इन्नर सिरा है, इन्नर तारों को ऐसे फोल्ड कर देना चाहिए ताकि ये कोयल सही से बैठ जाए, आने वाली कोयल भी। एक से 12 वाली कोयल डालने जा रहे हैं। कोयल डाल के तैयार कर लिया, अब इसके नीचे वाली कोयल डालते हैं। ये भी 1 से 10 1 से 12 आमने सामने इसको सेट वाइंडिंग बोलते हैं। सेट वाइंडिंग तो हमारा एक सेट है, इसकी दो कोयल ऊपर और दो कोयल सामने, इसके जस्ट सामने। पहले 1 से 10 वाली डालेंगे, फिर 1 से 12 वाली डालेंगे बाद में।
एक से बारह वाली डालने जा रहे हैं, पहले सेट की लास्ट कोयल है। ठीक लगा दे ये हमारा एक सेट चल के तैयार हो गया। ये दोनों इंदर इंदर बाहर निकल जाएंगे। अब अगला सेट जाने डाल डाल दो। ये क्या है डालना पड़ेगा तारों को डंडे से थोड़े नीचे धकेलना पड़ता ताकि ऊपर की कोयल आसानी से बैठ जाए। डंडे से कुटाई करके हल्के आस ताकि तार चिल भी नहीं जाए। पेपर लगा देंगे अगले सेट के लिए। पिच वही रहेगी 110 से 112 थ्री पेज की मोटर है कोपलिन कंपनी में। गेज है इसका 1-2। छब्बीस टर्न। स्टार्ट कटी शुरू कर हमारी 110 वाली डल के कंप्लीट हो गई। दूसरा सेट की अभी 112 वाली कर रहा अभी एक कोयल और दिखा रहा ये कोयला 12 वाली दिखा रहे जस्ट सामने वही सेम टू सेम ये हमारी 112 वाली भी डल के कंप्लीट हो गई। दोस्तों सारी कोयले इसी तरह डाल दे चले जाना फुल मोटर में। सारी कोयले इसी तरह डलेगी वही पीछे 110 112 अगले वीडियो में आपको इसके कनेक्शन की वीडियो दिखा दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।